आईटीजेई 2015 की प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस बार की परीक्षा में मध्य प्रदेश का दबदबा देखा जा रहा है, जहां पर लड़कों में सतना के सतपत जगबानी ने टॉप किया तो लड़कियों में भी मध्य प्रदेश के ही इंदौर की रहने वाली कृति तिवारी ने टॉप किया है। सतपत ने 504 में से 469 अंक हासिल किए हैं तो कृति की ऑल इंडिया रैंकिंग 47 है और यही है देश के सबसे अच्छे दिमाग जिन्होंने देश के टॉप संस्थान को टॉप किया है। आईआईटी कानपुर से परीक्षा देने वाले मध्य प्रदेश के सतना के सतपत जगबानी ने ऑल इंडिया टॉप किया है। जी मीडिया रिपोर्टर हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट आप देखिए। ऑल इंडिया जेई एडवांस के नतीजे घोषित हो गए हैं और इसमें पहली रैंक हासिल की है सतपत जगबानी ने, ऑल इंडिया टॉप किया है। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सतपत, किसको देंगे इसका श्रेय? पेरेंट्स और टीचर्स को। कितना बड़ा अचीवमेंट इसे मानते हैं ऑल इंडिया आईआईटी के नतीजे में एडवांस में फर्स्ट रैंक हासिल करना? मेरे ख्याल से ये बस मैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है। अच्छा, इसे बड़ा अचीवमेंट नहीं मानते, इसको लेकर के कितना आपने मेहनत किया था, किस तरह से अपना स्टडी करते हो? बस जो क्लास में पढ़ाया जाता था वही पढ़ता था मैं, और जो होमवर्क देते थे वही करता था। कितने घंटे की स्टडी किया करते थे? कितने घंटे की? लगभग एक दिन में शायद 5-6 घंटे। इसको लेकर के आपने क्या सोचा था, मतलब पहले से अंदाजा था कि आपका रैंक है अच्छा रैंक आने वाला है? हाँ था, मेरी जैसी रैंक आती थी कोचिंग में टेस्ट में, उस हिसाब से लगता था कि अच्छी रैंक आ जाएगी। आपके अपने लक्ष्य क्या रखा है, अपना अचीवमेंट, मतलब जो बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, इसके बाद में आपका टारगेट क्या है? अभी कुछ फिक्स टारगेट नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस ले लूँ, और उसके आगे सोच रही है आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस के बाद उसके मतलब कहाँ जाना चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी? उन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया है, वो बहुत आगे का है। अभी वो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एक सवाल अपने आप में ये है कि आपके जो मदर एंड फादर हैं दोनों ही डॉक्टर हैं, तो आपने इंजीनियरिंग चुना क्यों? क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, बायोलॉजी से ज्यादा पसंद है। तो सतपत जगबानी को आपने सुना, लेकिन सतपत जगबानी की जो माँ है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है रिजल्ट आने के बाद। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसका स्पेशली अच्छा रहा है, तो ये तो था कि ऑल इंडिया रैंक इसकी बनेगी, पर AIR तो बहुत खुशी की बात है। अब आगे अपने बेटे को कहाँ देखना चाहती है? अभी तो आईआईटी मुंबई। तो यहां पर आपने सुना दो लोगों के नाम हमने आपको बताया, इंदौर से कृति तिवारी और कोटा से सतपत जगबानी, जिन्होंने ये सर्वोच्च स्थान हासिल किया है और काफी खुश हैं अपने इस अचीवमेंट को लेकर। हम एक बार पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं, कृति तिवारी हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम उनके पास चलते हैं। कृति, आपको ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयां ये टॉप स्थान हासिल करने के लिए। पहले तो आप यही बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है अपने इस पोजीशन को हासिल करके, जो आपने सोचा था, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो आपने अचीव कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और सेकेंडली मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी रैंक आई है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा कृति, ये रिजल्ट आने के बाद सब लोग क्या पूछ रहे हैं, सब लोगों के सवाल क्या है? यही पूछ रहे हैं सब लोग कि कितने घंटे पढ़ाई की, कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत की, लोगों को बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो कितने खुश हैं इन रिजल्ट के आने के बाद? मेरे पेरेंट्स ओवर एक्साइटेड है, उनसे उनकी खुशी संभल नहीं रही है, क्वेश्चंस पूछ रहे कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या करा, हर कोई ये पूछता है कि हमारे बच्चों को भी कुछ एडवाइस दे दो। बस यही है कि पढ़ना है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सब अच्छा जाएगा।
ठीक है कृति, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद हमारे साथ लाइव एक गेस्ट और जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। कृति, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस स्थान को हासिल करने के लिए? आपकी 47th रैंक है ऑल इंडिया में, और जाहिर बात है कि आपने बहुत कुछ सोचा होगा आगे की प्लानिंग भी आपने कर रखी होगी। क्या आपको लगता है जितनी मेहनत आपने की उतना फल आपको मिला, या इससे बेहतर भी और हो सकता था, या आप और मेहनत कर सकती थी? मुझे लगता है कि मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे सही फल मिला है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लोग पांच साल मेहनत करते हैं आईआईटी के लिए। मैंने तो सिर्फ 11th में स्टार्ट किया था, तो सिर्फ 2 साल में इतना कर पाना, मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से, क्योंकि 2 साल में इतना अचीवमेंट काफी बड़ी बात होती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास कृति। मेरे सहयोगी ब्रजम पांडे हैं इस वक्त हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनके पास रुक कर लेते हैं। ब्रजम, आपके पास क्या है बताने के लिए? कृति तो हमसे बात कर ही रही हैं, और इसके साथ ही नाम जो है वो मध्य प्रदेश का रोशन हुआ है, इंदौर और सतना, यहां से दोनों टॉपर्स निकले हैं। आप क्या बता रहे हैं हमें? देखिये पूर्णिमा, मैं जो बता रहा हूँ वो पूरे देश के लिए नाम रोशन करने वाले आनंद जी हमारे पास हैं। आनंद सुपर 30 के संचालक हैं, गुरु हैं सुपर 30 के, और आप पूरे देश में सबसे ज्यादा IITian देने का रिकॉर्ड है इनके पास। आनंद जी, टॉपर्स तो सामने थी, अब आप पूरे देश में सबसे ज्यादा IITian देने का रिकॉर्ड है, इस बार का IITian किस तरह का होगा? बहुत अच्छा रहा इस बार भी रिजल्ट हमारा। हमारे सबसे अच्छी शुरुआत हुई कि एक बच्चा अभिषेक गुप्ता पहले ही टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुआ एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट के चलते। फिर हमने एक बच्चे को बुलाया और 30 बच्चों का टीम तैयार किया, और जिसमें 25 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। पूर्णिमा, 30 में से 25 बच्चे IITian बन चुके हैं, ये सुपर 30 चलाते हैं, और आपको बता दें कि सुपर 30 चलाने में इन्होंने काफी मेहनत करी है, और तमाम बच्चों का सिलेक्शन करना, उसके बाद उनको होस्टल देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, इसके अलावा उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, ये जो तमाम बच्चे हैं, जो तमाम छात्र हैं, ये IITian हो चुके हैं, अब इनका रिजल्ट आ चुका है, और सबसे और वो खुशी के चेहरे पे हम देख सकते हैं ब्रजम, 30 में से अगर 25 बच्चे जो हैं वो अपनी मेहनत के बाद अगर IITian बन जाते हैं तो उनकी खुशी भी देखी जा सकती है, और वो साफ देख रहे हैं हम। हमारे साथ सतपथ जगमनी इस वक्त जुड़ चुके हैं, IIT कानपुर से इन्होंने परीक्षा दी है, और मध्य प्रदेश के सतना के हैं, और ऑल इंडिया इन्होंने टॉप किया है। बहुत बहुत स्वागत है सतपथ आपका, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉप कर चुके हैं आप ऑल इंडिया, आपको बहुत बहुत बधाई जी न्यूज की टीम की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको, आपकी मेहनत सफल हुई है? हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई है। सतपथ, क्या आप ऐसे इतनी कम बात करते हैं जितनी आप अभी कम बात कर रहे हैं, और आपका सारा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पर रहता है, आप बहुत कम बोलते हैं? हाँ, मैं कम बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ सतपथ रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले सतपथ आपके पास आना चाहूंगी, कितने कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है अब जब आपने अचीव कर लिया ये पोजीशन, तो बाकी स्टूडेंट जरूर ये जानना चाहेंगे। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत तो होती है। अगर आप एग्जाम देते वक्त जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। और इस सर से जब सर पढ़ा रहे हो तब भी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वरना वो जो पढ़ा रहे हो सकता है समझ में ना आए, तो ध्यान को भटकने से रोकना होता है, कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। ठीक है, कृति आपको क्या लगता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, कितनी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, कितना फोकस्ड रहने की जरूरत होती है इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छी पोजिशन को हासिल करने के लिए? कंसंट्रेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं हमारा ध्यान कहीं कहीं भटकना नहीं चाहिए, जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कृति आपका भी, और इसके साथ सतपथ जगमनी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजम के साथ आनंद जी थे, ब्रजम आपका भी शुक्रिया, आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।